गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका हैप्पी कैमरे स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज हम जो है पार्ट 11 का जो है बुक वर्क कर रहे थे, आधा हम कर चुके थे, आधा हम आज स्टार्ट करेंगे। शब्द ज्ञान, क्वेश्चन फर्स्ट है अशुद्ध शब्दों पर गोला बनाओ। जो आपके बच्चों अशुद्ध शब्द हैं उस पर हमें क्या करना है, गोला बनाना है। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है तिरंगा, सेकेंड है ध्वज, थर्ड राष्ट्र, फोर्थ प्रयोग, फिफ्थ वीरता, सिक्स केसरिया, सेवंथ पट्टीट, एट्थ बलिदान, नाइन्थ स्तंभ संतंभ, टेंथ वाराणसी, इलेवंथ पुजारी, ट्वेल्थ खुशहाली। अब इसके अंदर जो है बच्चों आपका अशुद्ध शब्द है उस पर हमें क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। फर्स्ट हमारा तिरंगा, तिरंगा में क्या है मात्रा गलत लगी हुई है तो हम इस पर क्या है गोला लगाएंगे। ध्वज हमारा सही है, राष्ट्र हमारा सही है, प्रयोग हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा वीरता, वीरता में क्या है बच्चों मात्रा गलत लगी हुई है तो हम इस पर क्या करेंगे गोला बनाएंगे। नेक्स्ट केसरिया, केसरिया में दो मात्रा है, एक मात्रा आती है, ये भी गलत है, इस पर भी गोला लगाएंगे। पटीट, पटीट कोई शब्द ही नहीं होता है तो इस पर भी गोला लगाएंगे। संतंभ, ये भी कोई शब्द नहीं होता है, इस पर भी गोला लगाएंगे। स्तंभ होता है, अधस्तंभ स्तंभ होता है, इस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाक्य बनाओ। इसमें फर्स्ट दे रखा है पवित्रता। बच्चों वाक्य बनाओ जरूरी नहीं है कि जैसे मैडम बना रही है एज इट इज आप बनाओ, आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पवित्रता, पवित्रता पे मैंने वाक्य बनाया है सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। जो हमारा सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। सेकेंड है हरियाली, हरियाली का मैंने बनाया है हमें अपने चारों तरफ हरियाली रखनी चाहिए, हमें क्या है अपने चारों तरफ हरियाली रखनी चाहिए। थर्ड है सम्मान, सम्मान का हमने बनाया है हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें क्या है जो हमारे अपने से हमारी एज से जो बड़े हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वज, ध्वज का मैंने बनाया है तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट है बलिदान, बलिदान पे मैंने बनाया है केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। जो हमारा बच्चों केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। आप इन सब पे जरूरी नहीं है कि जैसे मैडम ने वाक्य बनाए हैं ऐसे ही आप बनाओ, आप अपनी तरफ से सभी बच्चे जो है कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, जो आपको सही लगता है, जो आपको ईजी लगता है, जो आपको सबके माइंड अलग अलग है, सबको अलग अलग वाक्य बना के अपनी बुक के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में फर्स्ट है एक का अनेक, ऐप अनेक का एक लिखो, जो एक शब्द है उसका अनेक लिखना है और जो अनेक है उसका क्या लिखना है, एक लिखना है। फर्स्ट है आपका पट्टी, पट्टी का क्या हो जाएगा पट्टियां, पट्टी का पट्टियां, पट्टी पट्टियां। सैनिक सैनिकों, सैनिक का क्या होगा सैनिकों, सैनिक सैनिकों। बातों, बातों का क्या हो जाएगा बात, बातों का बात। कमानिया, कमाने का क्या हो जाएगा कमानी, कमाने का क्या हो जाएगा कमानी। पट्टी पट्टियां, सैनिक सैनिकों, बातों बात, कमानिया कमानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, जो आपको उल्टा अर्थ बताते हैं वो वाले आपको शब्द लिखने हैं। देश, देश का क्या होगा विदेश, देश विदेश। शांति अशांति, शांति का अशांति। पवित्र अपवित्र, पवित्र अपवित्र। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान। सम्मान अपमान, सम्मान अपमान। ये आपके विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द थे जिसमें देश का विदेश, शांति अशांति, पवित्र अपवित्र, ऊपर नीचे, ज्ञान अज्ञान, सम्मान अपमान। ये आपका बच्चों बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में जो है अपनी बुक के अंदर फिल करेंगे और इसको जो है लर्न भी करेंगे। सभी बच्चे जो है पार्ट 11 का जितना भी बुक वर्क मैंने अभी तक कराया है सभी बच्चे इसको जो है अच्छी तरह से लर्न करेंगे। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं जो है सभी बच्चों से इसका जो है बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर सब चीज़ सुनूंगी। क्वेश्चन आंसर मैंने अभी करवाए नहीं है, कल की वीडियो में मैं जो है सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी। थैंक यू।